गुड मॉर्निंग बच्चे, आज हम मापन और त्रुटि विश्लेषण पढ़ेंगे। बच्चों, वो सभी राशियाँ जिनका संबंध किसी भौतिकी परिघटना अर्थात फिजिकल फिनोमेनन से हो, जो एक संख्या द्वारा व्यक्त की जा सके तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, यानी डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली मापी जा सके, जिनका मेजरमेंट हो सके, वो राशियाँ भौतिक राशियाँ या फिजिकल क्वांटिटी कहलाती हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, ताप, चाल, बल, समय इत्यादि, ये सब भौतिक राशियाँ हैं। वह प्रक्रिया जिसमें किसी भौतिक राशि की एक निश्चित आधारभूत या रैंडमली चुने गए मान्यता प्राप्त मानक से तुलना करते हैं, उसे हम मापन कहते हैं। या कह सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिससे हम ये पता करते हैं कि कोई दी हुई राशि किसी मानक राशि का कितने गुना है, यही मापन कहलाता है। बच्चों, मात्रक, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए हमें मात्रक की आवश्यकता होती है। ऐसा सर्वमान्य मानक जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि की तुलना करने के लिए किया जाता है, उस भौतिक राशि का मात्रक कहलाता है। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड या घंटे इत्यादि। अब किसी भी भौतिक राशि की विवेचना और उसके मापन में सामान्यतः दो तथ्यों का समावेश होता है। पहला, उस राशि का परिमाण या मैग्नीट्यूड जो अंकों द्वारा, नंबर्स द्वारा प्रदर्शित होता है। दूसरा, उस भौतिक राशि की प्रकृति, उस भौतिक राशि का नेचर और इस बात का ज्ञान कि उस भौतिक राशि के परिमाण के संदर्भ मानक या रेफरेंस स्टैंडर्ड जो हमारे पास है, उस भौतिक राशि का मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। जैसे एक क्षण की लंबाई 12 मीटर है, तो भौतिक विज्ञान में इसका अभिप्राय यह है कि लंबाई का मात्रक मीटर, जो कि मानक है, स्टैंडर्ड है लंबाई के लिए, वो मीटर क्षण की लंबाई में 12 बार सम्मिलित है। यानी हम एक मीटर पैमाने को, उस क्षण को मापने के लिए 12 बार घुमाएंगे, तब हम उस क्षण की लंबाई को माप पाएंगे। बच्चों, दुनिया के भिन्न भिन्न स्थानों पर रहने वाले लोग देश, समय और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर एक ही भौतिक राशि के मापन के लिए अलग अलग मात्रकों का या यूनिट्स का उपयोग करते हैं। जैसे कि द्रव्यमान का सर्वमान्य मात्रक किलोग्राम है, लेकिन इसी राशि को मापने के लिए कोई छटाक, कोई पसेरी, कोई रत्ती, कोई तोला या मन, ये सब मात्रकों के नाम आप लोगों ने सुने होंगे। इनका भी उपयोग देश के ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है आज भी, लेकिन वैज्ञानिक कार्यों को संपादित करने के लिए ऐसे मानक का चयन आवश्यक है जो यूनिवर्सल हो और जिसको सभी लोग एक्सेप्ट कर सकें, सर्वमान्य हो और सुलभ भी होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए। अतः मानक के चयन में कुछ आधारभूत आवश्यकताएं इस प्रकार से हैं। पहला, कि मानक स्पष्ट और रूप से परिभाषित होना चाहिए। स्पष्ट रूप से परिभाषित होने का अर्थ है कि हम उसको, जो मानक हम मान रहे हैं, उसको हम बिल्कुल सही सही प्रिसाइसली उसको हम डिफाइन कर सकें। दूसरा, यह सुगमता से उपलब्ध होना चाहिए, यानी कि इसको हम आसानी से प्राप्त कर सकें, इसको प्राप्त करना मुश्किल ना हो। तीसरा,
यह सुविधाजनक आकार का होना चाहिए। इसका आकार अब जैसे हम मीटर का पैमाना बहुत आसानी से उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यही मीटर का पैमाना अगर एक मीटर ना हो करके 1 किलोमीटर होता तो हम इसे आसानी से उपयोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि इसका आकार इतना लंबा होता कि हम इससे छोटी दूरियों को माप भी नहीं पाते और ना ही इसको हम कहीं रख पाते। इसके बाद है, यह समय और स्थान के सापेक्ष स्थिर होना चाहिए, यानी ये समय के साथ इसके मान में कोई परिवर्तन ना हो, ना ही स्थान के साथ इसके मान में कोई परिवर्तन हो, इनवेरिएबल होना चाहिए टाइम और प्लेस के साथ। इसके बाद यह आसानी से अनुकरण करने योग्य हो, यानी इसकी कॉपीज बन सकें। अब जैसे मीटर पैमाना काफ़ी लंबा है, पर स्कूल के बच्चों के लिए यह इसको कैरी करना पॉसिबल नहीं है, तो इसके छोटे पैमाने हमने सेंटीमीटर स्केल या 1 फुट की स्केल बनाई है, जिसको बच्चे आसानी से रोज़ कैरी कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है कि वातावरणीय दशा में परिवर्तन के साथ मानक में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, और यदि परिवर्तन हो रहा है तो ये कुछ निश्चित ज्ञात संबंधों के आधार पर ही होना चाहिए, जिससे कि हम इन परिवर्तनों के कारण जो भी त्रुटियां आई हैं मापन में उनको हम आसानी से ज्ञात कर सकें और उनका निवारण भी कर सकें। बच्चों, वास्तव में मापन में की जाने वाली भौतिक राशियों की संख्या काफ़ी अधिक है, लेकिन इन सभी राशियों को मापने के लिए उतने ही मात्रकों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये राशियाँ एक दूसरे से किसी न किसी तरह से संबंधित होती हैं। जैसे किसी पदार्थ के घनत्व को, जिस डेंसिटी को मापना चाहें, तो हम एक नए मात्रक को परिभाषित नहीं करेंगे, बल्कि घनत्व जो है वो उस पदार्थ के आयतन और द्रव्यमान, इन दोनों से रिलेटेड होता है। इसलिए हमें द्रव्यमान और आयतन के मात्रकों को मिलाकर घनत्व का मात्रक प्राप्त हो जाता है। कुछ ऐसी भी राशियां हैं जिनको किसी दूसरी राशि के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, ऐसी राशियों को मूल राशियां कहते हैं और इनके मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। यांत्रिकी में लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये 3 राशियां ऐसी हैं जिनके पदों में जिनको हम किसी भी राशि के पदों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, परंतु अन्य सभी भौतिक राशियां इनके पदों में व्यक्त की जा सकती हैं। इसलिए हम लंबाई, द्रव्यमान और समय को मूल राशि कहते हैं और इनके मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। ऐसी सभी राशियां जिनको मूल राशियों की सहायता से व्यक्त किया जा सके, या जिन राशियों को मूल राशियों के पद में लिखा जा सके, उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां या डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं, और इनके यूनिट्स को हम डिराइव्ड यूनिट्स या व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। इसी प्रकार भौतिकी के विभाग विद्युत चुंबकत्व में विद्युत धारा को मूल राशि माना गया है और इसके मात्रक एम्पियर को मूल मात्रक माना गया है। जब हम ऊष्मा गति की पढ़ते हैं तो उसमें ताप को मूल मात्रक माना गया है और इसके ताप को मूल राशि माना गया है और इसके मात्रक केल्विन को मूल मात्रक माना गया है। इसी प्रकार ऑप्टिक्स में या प्रकाश की बात जब हम करते हैं तो ज्योति तीव्रता या ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मूल राशि माना गया है और इसके मात्रक कैंडिला को मूल मात्रक माना गया है। रासायनिक पदार्थों के मात्रक मोल को भी मूल मात्रक माना गया है और पदार्थ की मात्रा मूल राशि कहलाती है। बच्चों, पूरी दुनिया में मापन की अलग अलग प्रणालियाँ हुई हैं,
प्राचीन समय से मापन के लिए अलग अलग देशों के वैज्ञानिकों ने अलग अलग मापन की प्रणालियों का उपयोग बताया है। इसमें हम पहली प्रणाली CGS, जिसको हम फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं, इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है। दूसरी प्रणाली है MKS सिस्टम, जिसको हम मीट्रिक सिस्टम भी कहते हैं, और इसमें लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है। तीसरी प्रणाली है FPS प्रणाली, या ब्रिटिश सिस्टम कहते हैं इसे। ब्रिटिश सिस्टम में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में व्यक्त करते हैं। मापन की ये प्रणालियां अलग अलग देशों में मान्य हैं, अतः हमें एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का हमने आविष्कार किया, जिसको हम मापन की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली या SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। मापन की यह प्रणाली आजकल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य प्रणाली है। इस प्रणाली में 7 मूल मात्रकों और 7 मूल राशियों और मूल मात्रकों के अलावा 2 पूरक मात्रक, कोण तथा घन कोण भी शामिल किए गए हैं। बच्चों, इनके बारे में हमने पहले वीडियो में शेयर किया था। बच्चों, SI मात्रक, SI प्रणाली में मूल राशियों और उनके मात्रकों का चार्ट यह है, जिसमें मूल राशि, उसका मात्रक का नाम, मात्रक का प्रतीक और उसके साथ ही मात्रक की परिभाषा दी हुई है, जिसे आप पढ़ करके समझिए और इसको याद करिए। बच्चों, अब हम बात करेंगे माप की यथार्थता और परिशुद्धता, यानी प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। वैसे तो देखा जाए तो यथार्थता और परिशुद्धता, यानी प्रिसिशन और एक्यूरेसी, लगभग एक ही अर्थ का ज्ञान कराते हैं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि में दोनों ही तकनीकी शब्दों का प्रयोग अलग अलग सिचुएशंस की व्याख्या के लिए किया गया है। किसी माप की यथार्थता या प्रिसिशन वह मान है जो हमें यह बताती है कि किसी राशि की मापित मान या ऑब्जर्व्ड वैल्यू उसके वास्तविक मान या रियल वैल्यू से कितना निकट है, उसके कितना पास में है, जबकि परिशुद्धता यह बताती है कि वह राशि किस विभेदन या सीमा तक, किस रेजोल्यूशन तक शुद्ध मापी गई है। किसी भी मापन यंत्र की यथार्थता किसी अन्य कारकों से अधिक उस यंत्र में, उस इंस्ट्रूमेंट में मौजूद उसकी क्रमबद्ध त्रुटि पर निर्भर करती है, और यंत्र की यथार्थता को हम कुछ संशोधन करके बढ़ा भी सकते हैं। इसी तरह जो परिशुद्धता है वो कुछ रैंडम एरर्स या यादृच्छिक त्रुटियों पर निर्भर करती है, और परिशुद्धता हमें इस बात का ज्ञान कराती है कि कोई भौतिक राशि किसी मापन यंत्र से या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से कितने रेजोल्यूशन तक मापी जा सकती है। जैसे किसी क्षण की वास्तविक लंबाई 5.346 सेंटीमीटर है, उसको 3 प्रयोगकर्ताओं द्वारा इसकी लंबाई को मापा गया है। पहले प्रयोगकर्ता ए ने जो लंबाई मापी वो है 5.3 सेंटीमीटर, यानी इन्होंने दशमलव के एक अंक तक इसका मान ज्ञात किया, और इस मान में आप देख रहे हैं क्योंकि क्षण की वास्तविक लंबाई जो रियल
लेंथ है उसकी वो दशमलव के 3 अंकों तक मापी गई है और प्रयोगकर्ता एक ने केवल दशमलव के 1 अंक तक ही इसकी शुद्ध माप निकाली है। तो यह माप हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा यथार्थ है, यानी मोस्ट प्रिसिशन है और कम परिशुद्ध है, इसकी एक्यूरेसी काफ़ी कम है। इसी तरह दूसरे प्रयोगकर्ता बी ने जो माप ली है वो है 5.24 सेंटीमीटर। 5.24 सेंटीमीटर दशमलव के 2 अंकों तक की माप है जो कि 5.346 के काफ़ी करीब है, परंतु यह कम यथार्थ है क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद का पहला अंक 2 है, 3 नहीं। परंतु यह अधिक परिशुद्ध कही जाएगी, ज़्यादा एक्यूरेट कही जाएगी क्योंकि ये दशमलव के 2 अंकों तक मापी गई है। तीसरे प्रयोगकर्ता सी ने इसकी लंबाई 5.286 सेंटीमीटर मापी है जो कि कम यथार्थ है, काफ़ी कम यथार्थ है क्योंकि इसकी जो दशमलव, वही बात है कि दशमलव के बाद का पहला अंक 2 है न कि 3, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्यूरेट माप यही है। सबसे ज़्यादा एक्यूरेट इसलिए है क्योंकि इसे दशमलव के 3 अंकों तक मापा गया है और क्षण की जो रियल लेंथ है वो भी दशमलव के 3 अंकों तक ही मापी गई है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि यथार्थता किसी मापन में सार्थक अंकों की संख्या का ज्ञान कराती है। बच्चों अब हम बात करेंगे त्रुटि की। चूंकि मापन की यथार्थता और परिशुद्धता न होने के कारण हम कहते हैं कि किसी भौतिक राशि के मापन में कुछ त्रुटि रह गई है, कुछ एरर रह गई है। तो अगर हम किसी इंस्ट्रूमेंट द्वारा किसी फिजिकल क्वांटिटी को मापते हैं तो उसकी जो भी ऑब्जर्व वैल्यू है, जो भी हम ऑब्जर्वेशन से उसकी वैल्यू निकालते हैं एक्सपेरिमेंट्स करके, वो वैल्यू कभी कभी रियल वैल्यू से, उसके वास्तविक मान से डिफर करती है, उसके वास्तविक मान से काफ़ी उसमें अंतर होता है। तो इसी अंतर को हम वास्तविक मान और प्रेक्षित मान, यानी ऑब्जर्व वैल्यू और रियल वैल्यू के बीच के अंतर को ही हम त्रुटि या एरर कहते हैं। इसमें कुछ रैंडम एरर्स होती हैं, ये 3 प्रकार की होती हैं। पहली है निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि एक मापित राशि या मेजर्ड क्वांटिटी के वास्तविक मान रियल वैल्यू और उसके प्रेक्षित मान या ऑब्जर्व वैल्यू के बीच का अंतर कहलाती है। इसको हम मैथमेटिकली लिखना चाहें तो अगर हम ये माने कि कोई भौतिक राशि ए है जिसका वास्तविक मान ए है और उसके हमने अलग अलग ऑब्जर्वेशंस लिए हैं जिसमें उसकी वैल्यूज़ A1, A2, A3 आदि आए हैं। मापन में निरपेक्ष त्रुटि निकालने के लिए, जिसको हम डेल्टा A1 से पहली निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे पहले ऑब्जर्वेशन के लिए, वो होगी डेल्टा A1 इज इक्वल्स टू A डिफरेंस A1। यहाँ आप देख रहे हैं कि सब्सट्रैक्शन के स्थान पर हम डिफरेंस का यूज़ करते हैं क्योंकि हमारी जो रियल वैल्यू है, ऑब्जर्व वैल्यू उससे अधिक भी हो सकती है और उससे कम भी हो सकती है, लेकिन निरपेक्ष त्रुटि को हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए हम यहाँ डिफरेंस का यूज़ कर रहे हैं ताकि जो वैल्यू अधिक हो उसमें से कम वाली वैल्यू को घटाते हैं। इसी तरह दूसरे प्रेक्षण या दूसरे ऑब्जर्वेशन के लिए निरपेक्ष त्रुटि होगी, एब्सोल्यूट एरर होगी, डेल्टा A2 इक्वल टू A डिफरेंस A2। इसी तरह तीसरे ऑब्जर्वेशन के लिए एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा A3 इज इक्वल्स टू A डिफरेंस A3 एंड सो ऑन।
अर्थात निरपेक्ष त्रुटि वास्तविक मान और प्रेक्षित मान के बीच का अंतर होती है। इसके बाद हम बात करते हैं माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि की, जिसको हम मीन एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। अलग अलग ऑब्जर्वेशंस की एब्सोल्यूट एरर्स का अर्थमेटिक मीन निकालते हैं तो हमें मीन एब्सोल्यूट एरर मिलती है। मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए डेल्टा ए बार इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए वन, जैसा कि हमने कहा था कि एब्सोल्यूट एरर को हम हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने मॉड का चिन्ह लगाया है। और मॉड ऑफ डेल्टा ए वन प्लस मॉड ऑफ डेल्टा ए टू, ये सब निरपेक्ष त्रुटियाँ हैं अलग अलग ऑब्जर्वेशंस में, और जितनी संख्या में ये त्रुटियाँ होंगी उसी संख्या से हम इसको भाग दे देंगे तो हमें औसत या मीन मिल जाएगा हमें निरपेक्ष त्रुटियों का, एब्सोल्यूट एरर्स का। तो शॉर्ट में हम लिख सकते हैं डेल्टा ए बार इज इक्वल्स टू वन अपॉन एन समेशन फ्रॉम आई इज इक्वल्स टू वन टू समेशन टू आई इज इक्वल्स टू एन डेल्टा ए आई। इसके बाद बात करते हैं सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि की, जिसको हम रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं। किसी भौतिक राशि के अलग अलग ऑब्जर्वेशंस की माध्य निरपेक्ष त्रुटि या मीन एब्सोल्यूट एरर का भौतिक राशि के वास्तविक मान या रियल वैल्यू के साथ अनुपात रेशियो का उस मापन की भिन्नात्मक त्रुटि या फ्रैक्शनल एरर कहलाती है। इसको हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि R अगर फ्रैक्शनल एरर है तो डेल्टा A जो कि उसका एब्सोल्यूट एरर है अपॉन A जो कि उस भौतिक राशि का फिजिकल क्वांटिटी की रियल वैल्यू है, डेल्टा A अपॉन A विल बी द फ्रैक्शनल एरर। इसके बाद प्रतिशत त्रुटि की बात करेंगे। फ्रैक्शनल एरर में जब 100% से गुणा कर देते हैं तो हमें परसेंटेज एरर मिल जाती है। ये बहुत सिंपल है, इसमें केवल हमें फ्रैक्शनल एरर का जो भी वैल्यू है उसमें हमें 100% से मल्टीप्लाई कर देना पड़ता है। इसके बाद हम बात करते हैं त्रुटियों के संयोजन की, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। बच्चों हम जानते हैं कि कोई भी भौतिक राशि एक या दो या अधिक राशियों पर निर्भर कर सकती है, तो किसी भी एक भौतिक राशि को मापने के लिए हमें अलग अलग भौतिक राशियों का मापन करना पड़ता है। अलग अलग भौतिक राशियों को मापने में त्रुटियां भी अलग अलग होती हैं, जिसके कारण उन सभी त्रुटियों का असर या प्रभाव उस भौतिक राशि पर पड़ता है। इन्हीं त्रुटियों को संयोजित करके हम मैक्सिमम एरर निकालते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में। अब इनमें हम त्रुटियों का संयोजन में पहला ऑपरेशन है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी दो क्वांटिटीज़ के एडिशन या सब्ट्रैक्शन पर निर्भर करती है, जैसे हमने एक फिजिकल क्वांटिटी Z मानी है जो कि दो अलग अलग भौतिक राशियों X और Y के सम के बराबर है, यानी Z इज इक्वल्स टू X प्लस Y। तो अगर हम X, Y और Z की लिमिटिंग एरर्स या एरर्स कैलकुलेट करें तो ये प्लस माइनस डेल्टा X, प्लस माइनस डेल्टा Y और प्लस माइनस डेल्टा Z होंगी। तो हम Z प्लस माइनस डेल्टा Z इज इक्वल्स टू X प्लस माइनस डेल्टा X प्लस Y प्लस माइनस डेल्टा Y लिख सकते हैं, और यहाँ से हमें ज्ञात होता है कि प्लस माइनस डेल्टा Z जो कि Z भौतिक राशि में मैक्सिमम एरर है वह प्लस माइनस डेल्टा X प्लस माइनस डेल्टा Y के बराबर होती है।
अगर हम यहाँ प्लस वैल्यू लेते हैं तब भी हम देखते हैं कि हमें डेल्टा z इज इक्वल्स टू डेल्टा x प्लस डेल्टा y मिलेगा, और अगर हम माइनस वैल्यूज़ लेते हैं तब भी हम देखते हैं कि हमें डेल्टा z इज इक्वल्स टू डेल्टा x प्लस डेल्टा y, यानी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही एरर्स को लेने पर हमें केवल एक ही संबंध प्राप्त हो रहा है, डेल्टा z इज इक्वल्स टू डेल्टा x प्लस डेल्टा y, और यही मैक्सिमम एरर है z के मापन में। इसी प्रकार यदि z की वैल्यू x माइनस y के बराबर हो तो भी जो मैक्सिमम एरर होगी z में वो डेल्टा x प्लस डेल्टा y भी ही होगी। अब यदि कोई भौतिक राशि z दो भौतिक राशियों x और y के गुणनफल के बराबर हो तो उसी प्रकार हम पहले लिमिटिंग एरर्स ज्ञात करेंगे x, y तथा z में। z की मैक्सिमम एरर ज्ञात करने के लिए हम z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू x प्लस माइनस डेल्टा x और y प्लस माइनस डेल्टा y का गुण कर देंगे। जब हम इस गुणनफल को इनका गुणन करेंगे तब हमें डेल्टा x और डेल्टा y जैसे टर्म्स मिलेंगे जो कि बहुत ही छोटे होंगे क्योंकि एरर बहुत कम होती है और उनका जब गुणन होता है छोटी क्वांटिटीज़ का तो वो उनसे भी ज़्यादा कम हो जाती है, इसलिए इनको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और हमें तब प्राप्त होगा z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू x डॉट y प्लस माइनस x इंटू डेल्टा y प्लस माइनस y इंटू डेल्टा x, और यहाँ पर हमें फ्रैक्शनल एरर मिलेगी डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल्स टू डेल्टा x अपॉन x प्लस डेल्टा y अपॉन y, और यही मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर होगी z की वैल्यू में। बच्चों यही एरर तब भी मिलेगी हमें जबकि z x और y के विभाजन से संबंधित होगा, यानी अगर हम x की वैल्यू z की वैल्यू x अपॉन y रखें तो भी हमको मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर z की वैल्यू में डेल्टा x अपॉन x प्लस डेल्टा y अपॉन y ही मिलेगी। अब अगर हम पावर्स की बात करें कि कोई फिजिकल क्वांटिटी किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के कुछ पावर्स पर निर्भर करती है, जैसे z इज इक्वल्स टू x टू द पावर m, तो हम लॉग लेंगे तो बोथ साइड लॉग z विल बी इक्वल टू m लॉग x, और जब इसको हम पार्शिएट करेंगे तो हमें फ्रैक्शनल एरर मिल जाएगी z में डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल्स टू m डेल्टा x अपॉन x। और परसेंटेज एरर अगर हम निकालना चाहें तो फ्रैक्शनल एरर में हमने पहले भी बताया था 100% का गुणा कर देते हैं जिससे हमको परसेंटेज एरर मिल जाता है। थैंक यू बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डायमेंशनल एनालिसिस या विमीय विश्लेषण की बात करेंगे।